हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी यमी फूड में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज हम बनाएंगे मालपोहा, जिसके लिए ये सामान हमें लगेगा। ये इंग्रेडिएंट्स, ये है सूजी, रवा, ये आटा, गेहूं का आटा, शुगर, शक्कर, कस्टर्ड पाउडर, दो अंडे, इलायची पाउडर और कलर, फूड कलर। तो और इसे हम सबको मिक्स करके इसे रेडी करेंगे मटेरियल को। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्रिप्शन के साथ ही एक बेल आइकन होता है, बेल बनी होती है, उस पर क्लिक कीजिए तो मेरा जो भी नया वीडियो रहेगा वो आप तक बहुत जल्द पहुँचेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मालपोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी। उसमें ऐड करेंगे आटा। ये देखिए, जितना हमने सूजी लिया था उतना ही आटा भी लिया है, गेहूं का आटा। और उसमें ये जो हमने शुगर लिया है, इसमें वो वही प्याली से थोड़ा ज़्यादा शक्कर लिया है, मतलब पूरा फुल लिया है शक्कर। ये सब इसमें यहाँ पे डालने के बाद इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, ये तीन टीस्पून है। और आधा टीस्पून के करीब इलायची पाउडर है और कलर, थोड़ा सा कलर है। ये सबको डालकर और इसमें अंडा फोड़ के डालेंगे। इन सबको हम पानी के थ्रो मिला देंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो अभी फिलहाल मैंने एक ग्लास पानी लिया है और इतना एक ग्लास पानी इनफ होगा। डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें इस ग्लास, ये फुल ग्लास पानी अभी इसमें रिक्वायर हुआ है, इतना लगा है इसमें। ये ऐसा इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है, एक ग्लास पानी इसमें लगा था। और आप अगर बनाते हो तो आप इससे ज़्यादा लूज नहीं रखना, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा ठीक है। इसे ढक कर एक घंटे तक रख दें। ये नॉन स्टिक तवा है और इस पर थोड़ा हमने तेल डाला है जो गर्म हो चुका है। इसमें हमें एक स्पून भरकर ये पूरा मटेरियल, ये बैटर लेना है और इस तरह से इसको डालकर स्प्रेड करना है। ये एक साइड से पक जाए तो फिर इसे इस तरह पलट दें।
ये रेडी हो चुका है और इसी तरह हम बाकी के सारे पीसेस तैयार करें। अब ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक गया है, बन गया है, इसलिए इसको निकालो। इसी तरह से हमें बाकी सारे भी तैयार करना है। एक और पीस तैयार करते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा पतला रहेगा तो फिर बनाने में सब अच्छा रहेगा। इस तरह हमें सारे पीसेस रेडी करना है। ये लीजिए, ये तैयार हो गया मालपोहा, जिसमें हमने ये विदाउट ड्राई फ्रूट्स के रखा है और इस पर ड्राई फ्रूट्स डाला है, ये दोनों पर। जिस तरह भी खाना हो, ड्राई फ्रूट के साथ या विदाउट ड्राई फ्रूट, ये मालपोहा रेडी हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।